hello listeners i am dr anuj kumar sharma presently working in center for advanced studies which is in campus research driven institute of dr apj abdul kalam technical university located in lucknow so uh, we are discussing the curved beams so in previous lectures we have already discussed few things about the curved beams but today in this lecture we are going to discuss uh, the stresses in crane hook so crane hook is one of the important application of the curved beams so as we know that curved beams generally we use the uh, straight beams in uh, structural as an structural member in different structures but in various situations we don't use the straight beams so that's why this topic is be, uh, has become very important from the point of view of daily use applications तो जो कर्ड बीम्स होते हैं जनरली बहुत सारे एप्लीकेशन हम लोग यूज़ करते हैं जैसे कि हम लोग क्रेन हुक जो होता है आज उसको हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में उसके अलावा रिंग्स होती हैं जैसे कि चेन होती हैं चेन लिंक्स भी एक करड बीम्स का काम करते हैं क्योंकि उसमें कितनी स्ट्रेस जनरेट होती है सो दिस लेक्चर इज़ डेडिकेटेड टू द स्ट्रेस जनरेशन एंड स्ट्रेस कैलकुलेशन इन क्रेन हुक सो इन टुडे टुडेज लेक्चर दीज आर द आउटलाइंस ऑफ आवर डिस्कशन we will discuss about the neutral axis position of neutral axis as far as the uh, cross section of the crane hook is concerned and we will discuss the stresses in crane hook we, we will derive some expression so that we can apply those expressions or formulae directly to solve the numerical problems then we will take the numerical problem to understand the basic concept बिकॉज अभी तक हम लोगों ने जो किया है या आज जो करेंगे वो डेरीवेशन पार्ट होगा एक सिंपल मैथमेटिक्स होगा सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना और उनको इंटीग्रेट सिंपल इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन है तो उसके बाद जब फार्मूला बाद में आएगा वी शुड नो हाउ टू अप्लाई इट टू सॉल्व दी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू अवर डेली एप्लीकेशन सो ये विंकलर बैक थियोरी वी ऑल नो सो बाई यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन ईजीली कैलकुलेट दी स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन एनी क्रॉस एक्शन राइट right, बहुत सारे क्रॉस सेक्शन होते हैं तो ये जो फॉर्मूला है सिग्मा इज इक्वल टू एम अपॉन ए आर इंटू वन माइनस आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू वाई अपॉन आर माइनस वाई तो हेयर एच स्क्वायर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट डिपेंड्स अपॉन दी क्रॉस सेक्शन तो आज जो हम क्रॉस सेक्शन लेंगे उसके लिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे ऑलरेडी वी हैव दैट फार्मूला एम इज़ द मूमेंट

तो ये हमारा जो क्रेन हुक है ऑल ऑफ अस नो दिस इज़ क्रेन हुक तो अगर हम इस पर देखें तो यहाँ पे जो इसका जो वेट्थ है या डायमीटर, मीटर वी कैन से इट इज़ स्मॉलर एज कम्पेयर टू हेयर एंड एज कंपेयर टू हेयर और यहाँ पे फिर वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है और यहाँ पे वी वी हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर तो अगर हम इसको इस सेक्शन से हम x1 x2 अगर हम यहाँ पे देखें और इसको कट करें सो दिस वुड बी इट्स क्रॉस सेक्शन तो जो हमारा इनर सरफेस होगा इनर सरफेस वुड बी काइंड ऑफ यू नो दिस सेक्शन एंड जो बाहर वाला सरफेस होगा यहाँ पे दैट वुड बी स्मॉलर इन वेट तो लेट से यहाँ पे जो वेट था वो सी है यहाँ पे जो वेट है वो बी है और ये जो बैंड हो रहा है लेट से दिस इज़ द सेंटर ऑफ़ कर्वेचर तो ये कर्ड बीम की तरह बिहेव करता है ये कर्ड बीम है तो उसके लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो अगर हम आ, दिया हुआ है उसने आर तो उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे इसके जो एच स्क्वायर की वैल्यू हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए एच स्क्वायर तो इफ़ यू पुट दिस एच स्क्वायर सो आर क्यू अपॉन ए सी लॉग आर प्लस डी टू डी टू क्या है वो सारी वैल्यूज इसमें दी हुई हैं तो जो हमारा सेंट्रॉयडल ये एक्सिस है उससे ऊपर वाला जो पोर्शन है दैट इज़ डी टू जो वहाँ से नीचे वाला पोर्शन है दैट इज़ डी वन तो अगर वो सब चीज़ें यहाँ पे हम रखें तो दिस इज द स्टैंडर्ड फार्मूला एंड वी मस्ट रिमेंबर दिस फार्मूला वी डोंट हैव एनी ऑप्शन अदरवाइज वी शुड नो हाउ टू डिराइव इट या तो ड्राइव करना आना चाहिए या वी हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला बिकॉज ड्राइविंग विल टेक सम टाइम सो इट इज़ बेटर टू रिमेंबर दिस फार्मूला सो दैट वी कैन अप्लाई दिस फार्मूला डायरेक्टली टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वेयर ए डी टू एंड डी वन वी कैन ईजिली कैलकुलेट लाइक दिस तो ये सारी वैल्यू जो हमारे पास होंगी वी कैन ईजिली कैलकुलेट एच स्क्वायर और जब एच स्क्वायर की वैल्यू होगी वी कैन ईजिली कैलकुलेट द स्ट्रेस तो स्ट्रेस हम आज कैलकुलेट करने वाले हैं फॉर क्रेन हुक ट्रिपल सेक्शंस में तो अगर हम क्रेन हुक की बात करें तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ये इसका क्रॉस सेक्शन है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डी वन दी है अब अगर हम इस सेक्शन पर कट करते हैं तो यहाँ पे कट करने के बाद हमें देखना है कि कितनी स्ट्रेसेस इसमें इंड्यूस होंगी लेट से दिस इज़ द टोटल लोड डब्लू विच इज़ एक्टिंग ऑन द क्रेन हुक यहाँ पे कुछ लोड लग रहा होगा फॉर बैलेंसिंग दिस सो लेट से कि फ्रॉम यहाँ से अगर हम देखें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहाँ से लेट एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स वी कंसिडर वन पॉइंट एंड दिस इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ये इस पॉइंट से यहाँ तक का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है जो हमारी न्यूट्रल एक्सिस है उससे हमें रेडियस का वो बता रहा है तो लेट ओ इज़ द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द लोड लाइन पासिस थ्रू ओ वन तो ओ वन से पास कर रही है जो हमारा जो लोड लाइन है जो ये डब्लू वाली जो लाइन है आर वन इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट द बेंडिंग मूवमेंट अबाउट द सेंट्रॉयड जी इज कितना हो जाएगा मूवमेंट दैट वुड बी इक्वल टू डब्लू इंटू एक्स तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये W है और ये डिस्टेंस X है तो वॉट वुड बी मूवमेंट W इन

को घटाने की कोशिश करेगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर को बढ़ाने की कोशिश करेगा सो इट इज़ टेंडिंग टू डिक्रीज द कर्वेचर। तो फ्लैट करने की कोशिश करेगा उसके नाउ इट डिपेंड्स अपॉन दी यू नो कर जो आपका कर्व जो आपका जो ये हुक है हुक की जो स्ट्रेंथ है उस पर डिपेंड करेगा कि वो उसको डिक्री वो कर पाएगा कर्वेचर को या नहीं तो so, हमें उतनी स्ट्रेंथ इसको देनी पड़ेगी सो इट इज़ नेगेटिव एंडिंग मोमेंट वाई बिकॉज इट इज़ इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ कर्वेचर और वी कैन से इट इज डिक्रीजिंग द करवेचर तो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कर्वेचर अगर बढ़ रहा है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो रहा है इसका मतलब तो so, जो रेडियस ऑफ जो कर्वेचर को घटा रहा है दैट्स वाई इट वुड बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव बैंडिंग मूवमेंट राइट सो देअर फॉर द बैंडिंग स्ट्रेस एट ए पॉइंट एक्स वन एंड एक्स टू आर रेस्पेक्टिवली अब यह हम निकाल सकते हैं इसके लिए बिकॉज वी हैव दैट फॉर्मुला ऑन द प्रीवियस स्लाइड तो जब ये स्ट्रेच होगा तो जो इनर सरफेस जो है इनर सरफेस पे क्या होगा इनर सरफेस पे आएगी हमारी टेंसाइल। और जो हमारा आउटर सरफेस होगा ये वाला ये कैसा हो जाएगा इट वुड बी कंप्रेसिव सो ये जो इनर सरफेस पे जो स्ट्रेस आ रही है दिस इज सिग्मा वन तो सिग्मा वन इज इक्वल टू डब्लू एक्स अपॉन ए आर इन टू आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इन टू डी वन अपॉन आर माइनस डी वन मल्टीप्लाइड बाई माइनस वन सो ये जो स्ट्रेस आ रही है ये वाली सो इट इज़

कैलकुलेट करनी है हमको क्रेन हुक में और जो हमारी परमिसिबल स्ट्रेस हैं अगर उससे क्रॉस कर जाती हैं देन अवर हुक क्रेन हुक में फेल और अगर ये हमारी जो सेफर जो विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट हैं जिस मटेरियल का हमारा क्रेन हुक बना हुआ है तब हमारी जो डिज़ाइन है क्रेन हुक की दैट वुड बी सेफ़र तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्ट्रेसिस हमको ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे दोनों केस में कि अंदर और बाहर जो भी हमारे स्ट्रेसिस तो ये हमारी एक टेंसाइल वाली होगी अंदर और ये हमारी आउटसाइड में होगी और इसके अलावा अगर आप देखें तो जो हमारा ये क्रॉस सेक्शन है यहाँ से जो कटा है वहाँ पे दिस इज वुड बी द डायरेक्ट स्ट्रेस सो सिग्मा डी वुड बी हाउ मच दैट वुड बी ये जो टोटल लोड है डब्लू और वो इस एरिया पे काम करेगा तो जो एरिया कौन सा है वो ये वाला एरिया है इसका जो एरिया होगा इस trapezoidal, इस इस्ट्रपजीम स्ट्रपे क्रॉस सेक्शन का जो एरिया होगा दैट वुड बी इक्वल टू ए तो वो W अपॉन ए डैट विल गिव यू दी डायरेक्ट स्ट्रेस और वो टेंसाइल इन नेचर होगी रिजल्टेंट स्ट्रेस अगर हमें निकालना है दोनों अलग अलग पॉइंट पे कि यहाँ पे कितना होगा और यहाँ पे कितना होगा सो दैट वी कैन कैलकुलेट इजीली एट x1 अगर हम बात करें तो so दोनों ही हमारी टेंसाइल हैं तो सिग्मा वन प्लस सिगमा डी ये रिजल्टेंट हो जाएगी इनर सरफेस पे क्योंकि तो दोनों सेम नेचर की हैं और अगर हम एक्स टू वाले पॉइंट पे बात करें तो सिग्मा टू हमारी क्या है सिग्मा टू हमारी कंप्रेसिव थी और ये हमारी जो है वो टेंसाइल है तो दोनों का जो डिफरेंस होगा सिग्मा टू माइनस सिग्मा डी दैट वुड बी द रिजल्टेंट स्ट्रेस एट आउटर सरफेस तो ये फॉर्मूले हमको याद करने पड़ेंगे इजिली वी कैन कैलकुलेट एंड वी कैन फाइंड आउट द रिजल्टेंट स्ट्रेस नाओ वी विल टेक दी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स तो ये हमको फार्मूले याद रखने पड़ेंगे अब हम एक एक करके न्यूमेरिकल uh, प्रॉब्लम्स लेंगे उनको देखेंगे कि हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दीज फार्मूलेस जैसे पहला ये न्यूमेरिकल है द डायमेंशनस ऑफ हंड्रेड किलोमीटर क्रेन हुक आर एज शोन इन फिगर ये जो उन्होंने दे रखा है ये क्रेन हुक है ये डायमेंशन दिया हुआ है उसका क्रॉस सेक्शन भी दे रखा है जो यहाँ वाला क्रॉस एक्शन है वो ये वाला क्रॉस सेक्शन है जो इसके डायमेंशंस हैं डिफरेंट डायमेंशंस डिटरमाइन द देश एट द इनसाइड एंड आउटसाइड फाइबर्स ऑफ द हुक ऑन ए हॉरिजोंटल डायमीटर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ करवेचर इसका मतलब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो डायमीटर जा रहा है ये वाला तो इस वाले पे इसका मतलब ही इज़ आस्किंग फॉर दिस पॉइंट एंड फॉर दिस पॉइंट सो वी हैव टू कैलकुलेट द स्ट्रेसेस सिंपल फार्मूला है उसको अप्लाई करते हुए बाकी सारी चीज़ें हमको कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे B की वैल्यू जो है कैपिटल B दी हुई है हमको स्मॉल d 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है C जो है उसकी जो वेट है 3 सेंटीमीटर दे रखी है और जो टोटल लोड है दैट इज़ 100 किलो न्यूटन ये जो लोड दे रखा है दैट इज़ 100 किलो न्यूटन एंड नाउ वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन दैट वुड बी हाउ मच दो पैरल साइड से उनका सम तो नाइन प्लस थ्री एवरेज मल्टीप्लाइड बाई उनके बीच का जो डिस्टेंस है ट्वेल्व

तो अगर हमें डी टू निकालना है सो दैट वुड बी टोटल डिस्टेंस है ट्वेल्व हाइट जो है आपकी ट्वेल्व तो ट्वेल्व माइनस फाइव तो डी टू कितना बचा दैट इज़ सेवन सेंटीमीटर तो यहाँ पे हम इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं तो so आर जो है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट वुड बी हाउ मच दैट वुड बी इक्वल टू सेवन प्लस फाइव तो ये उसने जो है क्यों क्योंकि ये सेवन दे रखी है यहाँ से और जो हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस जो सेंट्रोडल एक्सिस जो जा रही है वो हमारी फाइव सेंटीमीटर पे है तो ये हमारा फाइव सेंटीमीटर है तो टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा सेवन प्लस फाइव इज इक्वल टू ट्वेल्व ये हमारा कैलकुलेट हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें बाद में फार्मूले के अंदर ये हमारे पास फॉर्मूला है एच स्क्वायर इज इक्वल टू जो हमारा क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है एंड द फार्मूला इज़ आर क्यूब अपॉन ए बिग ब्रैकेट सी लॉग स्मॉल ब्रैकेट आर प्लस डी टू अपॉन आर माइनस डी वन प्लस बी माइनस सी अपॉन डी इन टू आर प्लस डी टू लॉग आर प्लस डी टू अपॉन आर माइनस डी वन ब्रैकेट क्लोज माइनस स्मॉल ब्रैकेट बी माइनस कैपिटल सी ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट क्लोज माइनस आर स्क्वायर ये जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वी हैव टू अप्लाई टू कैलकुलेट दी एच स्क्वायर तो यहाँ पर अब देखिए हम आर कैलकुलेट कर चुके हैं एरिया वी कैन कैलकुलेट वी हैव कैलकुलेट सेवेंटी टू सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं इसकी जो हमारे पास c है b है d है वो सब वैल्यूज़ उसने दी हुई हैं तो नाउ वी कैन पुट ऑल द वैल्यूज़ इन दिस फार्मूला इफ विल पुट वी विल गेट दिस वैल्यूज़ लाइक दिस एच स्क्वायर में हमने सब वैल्यूज़ पुट कर दी हैं इसको हम मैथमेटिकली अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमको 24 फ़ोर इंटू थ्री लॉग नाइनटीन बाई सेवन ये सिंपल मैथमेटिक्स है माइनस वन फोर्टी फोर एंड लाइक वाइज इफ़ विल डू कैलकुलेशंस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ़ एच स्क्वायर एज 11.584 सेंटीमीटर स्क्वायर तो यहाँ पे हम इसको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं और यहाँ पे हमको एच स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है अब जो बेंडिंग स्ट्रेसिज हैं उसका जो फार्मूला है दोनों पॉइंट्स पे अलग अलग है तो सिग्मा वन अगर हम यहाँ पे देखें डब्ल्यू एक्स अपॉन ए आर जो इंटरनल जो पॉइंट है इट मीन्स वी आर कैलकुलेटिंग अबाउट दिस पॉइंट तो सिग्मा वन का जो फार्मूला है डब्ल्यू एक्स अपॉन ए आर इंटू आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू डी वन अपॉन आर माइनस डी वन माइनस वन ये जो फॉर्मूला है न आर स्क्वायर हमारे पास है एच स्क्वायर हमारे पास है डब्ल्यू हमारे पास है ए आर सब हमारे पास हैं एक्स जो है वो आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं तो एक्स इज़ ट्वेल्व क्योंकि सेवन प्लस फाइव एक्स मीन्स ये वाला दिस डिस्टेंस इज सेवन प्लस फाइव सो दिस फॉर्मूला वी हैव सात प्लस पाँच तो बारह हमने यहाँ पे रखा तो उसके हिसाब से तो इफ विल कैलकुलेट दिस तो वी विल गेट सिग्मा वन एज़ और सिम्प्लीफाई किया सो सिग्मा वन की जो वैल्यू आई हमारे पास हंड्रेड नाइन पॉइंट फोर थ्री फोर मेगा पासकल और ये टेंसाइल इन नेचर है क्योंकि तो अंदर का हमको पता है कि वो टेंसाइल होगी और बाहर वाले फाइबर पे कॉम्प्रेसिव होगी तो सिग्मा टू कैलकुलेट करते हैं सिग्मा टू का जो फॉर्मूला है इट बिकम्स डब्ल्यू एक्स अपॉन ए आर इंटू वन प्लस आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर ब्रैकेट डी टू अपॉन आर प्लस डी टू ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है पुट ऑल वैल्यूज़ हेयर एंड अपॉन सॉल्विंग सो वेन वी विल सॉल्व इट वी विल गेट सिग्मा टू इज इक्वल टू सेवेंटी सेवन पॉइंट फोर नाइन सेवन फाइव मेगा पास और ये कैसा नेचर है इसका इट इज़ कॉम्प्रेसिव इन नेचर सो दोनों स्ट्रेस दोनों पॉइंट पे स्ट्रेस आ गई इसका मतलब वी हैव कैलकुलेटेड हेयर सिग्मा वन वी हैव कैलकुलेटेड हेयर सिग्मा टू नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट द सिग्मा डी सो इफ यू कैलकुलेट द सिग्मा डी मीन्स डायरेक्ट स्ट्रेस सो इट बिकम्स डब्ल्यू बाई ए सो डब्ल्यू इज गिवन हंड्रेड किलोमीटर एरिया सेवेंटी टू सेंटीमीटर स्क्वायर सो इफ पुट हेयर टेन रेस टू पावर नाइन डिवाइडेड बाई सेवेंटी टू सॉरी इट शुड बी because we have converted into mega pascal that is why we have taken that uh, as kilonewton. so 100 kilo newton and that is the centimeter square so it was centimeter square so when we multiplied it meter square to 4 either or you purchase chala so 10 raised to the power 5 plus 4 that is why it has come 9 right so upon simplification it came 13.889 mega pascal

वो ये वाला फाइबर उस पर जब इस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे इस वाले फाइबर पे स्ट्रेस सो इट विल कम सिग्मा टू इज़ द कॉम्प्रेसिव इन नेचर सिग्मा डी इज़ द टेंसाइल इट इज़ द कॉम्प्रेसिव तो दोनों का सबसे जब हम देखेंगे तो हमें जो रिजल्टेंट स्ट्रेस मिलेगी दैट वुड बी 63.6085 थ्री मेगा पासकल तो दोनों जो पॉइंट्स हैं उन पर अलग अलग स्ट्रेस मिली है यहाँ पे ये और ये आउटर फाइबर पे ऑन दी ये एक्चुअली आउटसाइड फाइबर पे है और ये हमारी इनसाइड फाइबर पे राइट सो लाइक वाइज वी कैन ईजिली कैलकुलेट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सो जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट टेक अनदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ए क्रेन हुक हैज ए ट्रिपजॉइडल क्रॉस सेक्शन एज शोन इन फिगर जो सामने हमको दिया हुआ है क्रॉस सेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है डिटरमाइन द मैक्सिमम लोड थोड़ा सा ट्विस्ट किया है उसने डिटरमाइन द मैक्सिमम लोड टू बी कैरीड बाई हुक इफ वर्किंग स्ट्रेस 150 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर उसने वर्किंग स्ट्रेस दे दिया रिवर्स पूछ रहा है वो कह रहा है कि व्हाट वुड बी द मैक्सिमम लोड विच दिस क्रेन हुक कैन बीयर राइट विदाउट फेल सो सारी चीजें हमको दी हुई हैं बी इज इक्वल टू थर्टी एम बी मीन्स जो हमारा ये वाला जो बिग साइड है दिस इज दर्टी एम एम दिस इज फिफ्टीन एम एम सी इज फिफ्टीन एम एम टू डायमेंशन आर गिवेन ना इफ़ यू नीड टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, तो दैट वुड BE पैरल साइड का सम मतलब 30 प्लस पंद्रह बटे दो मल्टीप्लाइड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस डिस्टेंस कितना होगा दोनों के बीच का यहाँ से यहाँ तक 90 है ये 50 है सो दिस डिस्टेंस वुड भी हाउ मच दिस डिस्टेंस वुड बी फोर्टी एम 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 को मीटर में चेंज करेंगे सो इट विल बिकम टेन डेज पावर माइनस थ्री सो नाइन्टी माइनस फिफ्टी और उन्होंने उसको चेंज किया है मिलीमीटर में तो टेन डेजी पावर माइनस थ्री यहाँ का और टेन डेस्ट पावर माइनस थ्री यहाँ का सो इट हैज बिकम टेन डेस्ट दावर माइनस सिक्स सो लाइक वाइज वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एरिया सो एरिया हैज़ बिकम दिस मच नाउ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज डी वन तो अगर हम सेंट्रॉयड uh, की अगर हम बात करें तो देट इज डी वन की अगर हम उसको डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं सो देट वुड भी फोर्टी बाई थ्री इंटू थर्टी प्लस टू इंटू फिफ्टीन डिवाइडेड बाई बी प्लस सी मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना वी आर कैलकुलेटिंग दिस सो दिस इज अ स्टैंडर्ड फार्मूला सो डी वन सेंटर ऑफ ग्रेविटी मीन्स बाई दे है सेंटर ऑफ ग्रेविटी मीन्स वी आर कैलकुलेटिंग दी दिस सेंट्रॉय पॉइंट फॉर दिस ट्रिपजॉयल सेक्शन सो लाइक वे दिस इज द स्टैंडर्ड फार्मूला सो हेयर वी कैन ईजीली कैलकुलेट सेवनटीन पॉइंट सेवन एट तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है दैट इज सेवनटीन पॉइंट सेवन एट एम एम दिस इज़ द डी वन तो अगर हम टोटल निकालना है तो फोर्टी में से इसको घटा दीजिए वी विल गेट डी टू सो डी टू इज इक्वल टू फोर्टी माइनस वन सेवन पॉइंट सेवन एट तो so, यहाँ पे अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हमें निकालना है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब जो सेंट्रोडल एक्सिस जो हमारा जो फाइबर है वो कितनी दूरी पे है 50 उधर से सो so यहाँ से यहाँ तक 50 और प्लस ये d1 तो वो ऐड कर लीजिए सो इट हैज़ कम 67.78 सेवन मिलीमीटर तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला है एच स्क्वायर का हमें एच स्क्वायर निकालना है देन ओनली वी कैन कैलकुलेट दी रिजल्टेंट स्ट्रेस तो अगर हम एच स्क्वायर देखें तो ये जो फार्मूला है इसमें हमें वैल्यूज़ पुट करनी है आर की वो अपॉन ए आर की वैल्यू हमारे पास है सी ऑलरेडी वी हैव बीन गिवन आर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है डी एन डी टू हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है उसके अलावा ये सारी वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे एंड अपॉन सिम्प्लीफिकेशन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एच स्क्वायर अपॉन सिम्प्लीफिकेशन और सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट एच स्क्वायर एज वन थर्टी पॉइंट थ्री सिक्स फाइव इंटू टेन डिस्ट द पावर माइनस सिक्स मीटर स्क्वायर तो यहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू हमारी ये कैलकुलेट होके आ गई है अब हमें सिगमा वन सिग्मा टू कैलकुलेट करना है तो उसके लिए द्रेस इज़ मिनि मैक्मम ऑन दी इनर सर्फेस ऑफ द हुक वेयर बैंडिंग स्ट्रेस है इज़ बैंडिंग स्ट्रेस अगर हम कैलकुलेट करें सिग्मा वन जो इनर सर्फेस पर ही ज़्यादा होती है क्योंकि टेनसाइल टेनसेल दोनों एड हो जाती हैं जो हमारा जो इनर सर्फेस है उस पर दोनों टेंसाइल होती हैं मतलब सिग्मा डी भी टेंसाइल है और सिग्मा वन भी टेंसाइल है इसलिए और जो बाहर वाला सरफेस है उस पर थोड़ा कम रहती है तो जब उसने मैक्सिमम की जो लिमिट दे रखी है उसको हम कहाँ से कंपेयर करेंगे इनर फाइबर पे ही कंपेयर करते हैं क्योंकि इनर फ़ाइबर पे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि फेल हो जो फेल होगा वो इनर फ़ाइबर से ही फेल होगा तो फॉर इनर फ़ाइबर सिग्मा वन इज़ इक्वल टू तो डब्ल्यू अपॉन ए इंटू आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट डी वन अपॉन आर माइनस डी वन इंटू माइनस वन सो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं कि सिगमा वन कितना है सो देट वुड भी डब्लू इज नॉट गिविन टू अस सो डब्ल्यू इट मीन्स दिस इज लेट से दिस इज पी मीन्स डब्लू तो यहाँ पे वी विल गेट वन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ डब्लू तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे वी विल गेट सिगमा वन इज इक्वल टू ट्वेल्व पॉइंट एट वन थ्री इंटू डब्लू तो ये जो हमारा फार्मूला आया इसको अब नाउ स्ट्रेस इज गिवन टू अस वो स्ट्रेस हमको दे रखी है सिग्मा डी डायरेक्ट भी स्ट्रेस निकाल लेते हैं हम लोग पहले तो डब्लू अपॉन ए एरिया इज़ दिस इसका एरिया अगर हम कैलकुलेट कर लें तो इसका एरिया का सीधे सीधे फार्मूला है तो एरिया क्या होता है कि थर्टी प्लस फिफ्टीन डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है फोर्टी और इसको सिम्प्लीफाई करेंगे यूनिट में वी विल गेट द एरिया तो सिग्मा डी इज इक्वल टू डब्लू बाई ए तो दोनों स्ट्रेसिज आ गई ये भी टेंसाइल है और ये भी टेंसाइल है दोनों को अगर हम ऐड करेंगे देन वी विल गेट द फाइनल वैल्यू ऑफ दिस सिग्मा डी की ये वैल्यू आई दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये रिजल्टेंट स्ट्रेस आ गई अब जो रिजल्टेंट स्ट्रेस है दैट शुड नॉट क्रॉस द परमिसेबल वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एंड वी हैव बीन गिवन दिस 150 फिफ्टी मेगा पार्सकल इज गिवन टू अस नाउ आई फिल सॉल्व दिस एक्सप्रेशन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ डब्लू सो दैट डब्लू इज़ टेन पॉइंट सेवन सेवन किलो न्यूटन सो दिस इज़ द आंसर राइट सो लाइक वाइज वी कैन ईजीली कैलकुलेट द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस अब एक छोटी सी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग रिंग पे अगर ये हुक इस तरीके का ना हो और रिंग बेस्ड हो तो ये ओपन रिंग है जिसका टी सेक्शन है थोड़ा सा डिफरेंट न्यूमेरिकल लिया है जिससे कि हमको थोड़ा कंसेप्ट समझ में आए अदरवाइज वॉट वी आर डूइंग नाउ वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग दी एच स्क्वायर बाई गेटिंग द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट डायमेंशन ऑफ द क्रॉस सेक्शन एंड वी आर सिंपल कैलकुलेटिंग द सिगमा वन एंड सिगमा टू ऑन द इनर फाइबर आउटर फाइबर लेट्स से कि अगर इस शेप का हमको अगर रिंग uh, मिलता है तो उसमें ओपन रिंग है इसका क्रॉस सेक्शन टी है एंड इट इज़ सब्जेक्टेड टू ए कम्प्रेसिव लोड ऑफ हंड्रेड किलो न्यूटन तो हंड्रेड किलो न्यूटन का एक कंप्रेसिव लोड लग रहा है तो देखते हैं वेदर इट कैन बीर और नॉट तो डिटरमाइन दी स्ट्रेसिज एट पॉइंट ए एंड बी तो ए और बी पे सिमिलर प्रॉब्लम है तो यहाँ पर और यहाँ पर हमको इसका स्ट्रेसिस कैलकुलेट करनी है एरिया ऑफ टी सेक्शन आप निकाल सकते हैं जो क्रॉस सेक्शन है इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो टी है एक्चुअली इसका जो क्रॉस सेक्शन है इसका वो ये वाला है क्शन तो एरिया ऑफ टी सेक्शन इज़ ये आप इजीली दो रेक्टेंगल्स हैं उनको ऐड कर लीजिए टेन इंटू टू प्लस फोर्टीन इंटू टू इसको सॉल्व करेंगे तो फोर्टी एट सेंटीमीटर स्क्वायर सो दिस इज द एरिया मूवमेंट अगर हम कैलकुलेट करते हैं ए ए के अबाउट ए ए मीन्स यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करते हैं इसके अबाउट अगर मूवमेंट निकालते हैं ये वाला जो पॉइंट है सो दट विल गिव यू फोर्टी एट इंटू डी वन फोर्टी एट जो हमारा जो इंटू डी वन इज इक्वल टू

जो टू सेंटीमीटर है वो इसमें हम ऐड कर लेंगे जो ये वाला क्रॉस सेक्शन का जो टू सेंटीमीटर है वो यहाँ पे जो है उसको हम ऐड कर सकते हैं तो यहाँ पे हमको आर थ्री ये सारी डायमेंशन हम कैलकुलेट करेंगे आर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है नाउ इट विल बिकम 23.67 सेंटीमीटर एच स्क्वायर का जो है वो फॉर रिंग के लिए दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला आर क्यूब अपॉन ए और ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है माइनस आर स्क्वायर इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो बी टू यहाँ पर टेन सेंटीमीटर दिया हुआ है टी वन की वैल्यू इज गिवन थिकनेस इज टू सेंटीमीटर एच स्क्वायर का स्टैंडर्ड फार्मूला है वी पुट ऑल द न्यूमेरिकल वैल्यूज हेयर इन दिस टू गेट वैल्यू ऑफ एच स्क्वायर तो एच स्क्वायर विल कम अपॉन कैलकुलेटिंग दिस वी विल गेट एच स्क्वायर इज इक्वल टू दिस सो ये हमारा एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई ना हेर द बैंडिंग मोमेंट इज सच दैट इट इज स्टैंडिंग टू इंक्रीज द कर्वेचर ऑफ द रिंग डेफिनेटली वो कर्वेचर को बढ़ा रहा है कर्वेचर मतलब ये पोर्शन इधर जा रहा है वो पोर्शन इधर जा रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो रहा है कर्वेचर जो है उसका बढ़ रहा है देर फोर मूवमेंट जो है हमारा पॉजिटिव इन नेचर है अगर उसको सिग्मा ए हम कैलकुलेट करें तो सिंपल फार्मूला है डब्ल्यू बाई ए दोनों हमने स्ट्रेसिस को एल्जेब्रिकली uh, एड किया है तो सिग्मा ए इज़ कमिंग दिस it is compressive in nature and sigma B if we calculate then that is tensile in nature so it is 147.578 megapascal nature so likewise we can calculate the stresses on the strings सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी स्ट्रेसिस इन द्रेन हुक और एक हमने छोटा सा एक पोर्शन लेकर देखा न्यूमेरिकल का किस तरीके से हम अप्रोच करते हैं टू कैलकुलेट दी स्ट्रेसिज आई होप यू हैव एन्जॉयड दिस लेक्चर सो प्लीज़ डू प्रैक्टिस एट दी होम थैंक यू सो मच